वही मुनगा के जंगलों में हुई कथित मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव को परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर बताते हुए लेने से मना कर दिया और बड़े गादम गांव से दोनों मृतकों की पत्नियां बामी और हड़ में बच्चों के साथ सर्व आदिवासी समाज के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची थी, जहां परिजनों ने गश्त में पहुंची डीआरजी के जवानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जवानों पर खेत से पकड़कर वर्दी पहनाकर मृतकों को गोली मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों खेतों में सुअर की रखवाली के लिए गए थे। वहीं समाज की ओर से 11 सदस्यों का जांच दल घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगा। सर्व समाज में बड़े गादम से जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनकी हत्या हो गई, उनके परिवार के लोग आके बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा हमारे परिवार के लोगों दो युवकों को ले जाके उनकी हत्या की गई है। गाँव के लोगों को मिल के हम यथा स्थिति जो है उसकी जानकारी लेंगे सर्व समाज के माध्यम से।